विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। स्वागत है मेरी सुरंग में तुम्हारा तुच्छ भ्रमरी। अब अपनी मृत्यु के लिए तुम तत्पर हो जाओ। अरे ये क्या, ये दुष्टा तो मेरी जीवा में ही वेद कर मुझे कष्ट पहुंचा रही है। तो मैं निगल नहीं पा रहा हूँ तो क्या मसल कर दो, रख सकता हूँ तुम्हें। तुम्हें यहाँ वहाँ टकरा कर नष्ट कर दूंगा मैं। प्रतीत होता है अरुणासुर उस भ्रमरी का अंत करने में सफल हुआ। क्या हुआ अरुणासुर, तुम्हारे इतने प्रहार पर्याप्त नहीं थे क्या? ये वहां कैसे पहुंच गई? अब मैं इसे समाप्त करके ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। क्या इसका अंत हो ही गया? प्रतीत होता है कि अरुणासुर ने उसका अंत कर ही दिया। सुनने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि ये तुच्छ भ्रमरी उस पर इतनी भारी पड़ेगी। प्रतीत होता है तुम इतनी सरलता से अपने प्राण त्यागने वाली नहीं हो, किंतु ये सुनिश्चित है कि आज तुम्हारी यहाँ इसी कक्ष में मृत्यु होके रहेगी। शरीर यहाँ आ तो गई हो तुम, किंतु बाहर यहाँ से तुम्हारे प्राण ही जाएंगे। दुष्ट, तू मुझे रोकने के लिए यहाँ के समस्त द्वार कपाट और भेद भी बंद क्यों ना कर ले, किंतु प्राण मेरे नहीं तुम्हारे जाएंगे अब दुष्ट अरुणासुर। अपने इस तुच्छ मुख से मेरा नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझे तुच्छ पुकारते हो तुम और पीछे से छिपकर मुझ पर प्रहार करने का तुच्छ कार्य स्वयं करते हो तुम। हाँ, ये आवश्यक है क्योंकि तुम्हारे जैसे तुच्छ भीरू सब मौका कर युद्ध कहाँ करते हैं, इधर उधर उड़कर छिप जो जाती हो तुम। अच्छा, किंतु मेरे यहाँ आगमन पर मुझसे भयभीत छिप कर स्थित थे तुम। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ तुम्हारी इस गर्जना से भयभीत हो जाऊंगी मैं? तुम्हारी इस गीदड़ भपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मुझ पर। भयभीत होने का समय तो अब तुम्हारा है, क्योंकि अब एक भ्रमरी जिसे तुम एक तुच्छ प्राणी समझते हो वो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेगी तुम्हारा इस सृष्टि से अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम्हारे समक्ष रहूंगी मैं, किंतु तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। अब आएगा आनंद, मैं भी तो देखूं कि एक उत्तेजित गस समान विशालकाय असुर के समक्ष एक तुच्छ कीट कब तक सुरक्षित रहती है।
इस युद्ध में आज पराजय चाहे किसी की भी हो, किंतु मृत्यु तो मेरे ही शत्रु की होगी। मदिरा, अग्नि, अस्त्र भी है और ये स्तब्ध है यहाँ। इन सभी का लाभ उठाऊंगी मैं। होता है तुम अपनी जीवा से अनर्गल प्रलाप करने में ही सक्षम, सफल प्रहार करने में नहीं। तो चुप रह रे, अब दिखाता हूँ तुम्हें अपने जीवा की शक्ति। देखो दुष्ट, तुम्हारी कैसी दुर्दशा होगी। अरुणासुर के सुरंग को तहस नहस कर ये भंवरी प्राप्त क्या करना चाहती है? ऐसा प्रतीत होता है इस भंवरी के मन में कोई योजना है। इस स्तंभ को हिलाकर कोई लाभ नहीं होगा भ्रमरी, क्योंकि ये मुझे तनिक भी आहत नहीं कर सकेंगे। अब तुम में साहस है तो मेरा स्पर्श करके दिखाओ। यदि तुम में सामर्थ है तो तुम रोक कर दिखाओ मुझे। तुझ भ्रमरी, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे सुरक्षित निकल पाती हो, क्योंकि मेरे द्रव्य ने यहाँ से बाहर जाने के तुम्हारे सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से वायु भी बाहर नहीं जा सकती। बाहर भागने का मार्ग तो तुम ढूंढोगे, अपनी मृत्यु को अपने सम्मुख देखकर उससे भयभीत होकर। बस इतना ही विस्तार है तुम्हारी जीवा का? ओह, इस कपटी तुच्छ भ्रमरी ने तो अपनी युक्ति से मेरी ही जीवा को इस खंभ में उलझा दिया। ये ज्ञात था मुझे, अवश्य कोई योजना है इसकी। दिखाई अवश्य छोटी देती है, किंतु इसकी बुद्धि छोटी नहीं है, जिसके प्रभाव से देखते ही देखते इसने अरुणासुर जैसे भयंकर विशाल काय असुर को असहाय और विवश बना दिया। नहीं, ये तो इस मदिरा का प्रयोग अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कर रही है। सर्वप्रथम अपनी जीवा को इन खंभ से विलग करना होगा मुझे, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकूंगा मैं। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो भ्रमरी। कहा था ना मैंने, यहाँ से भागने का स्थान तो तुम ढूंढो। नहीं, नहीं।
साथ हुई तुम्हारी ये क्रीड़ा भ्रमरी, यदि इस अग्नि से सुरक्षित रही तो तुम देखना कैसे तुम्हारे समक्ष तुम्हारे इन देवताओं को भयंकर प्रताड़ना देता हूं मैं। अरुणासुर तो वहां से निकल गया, किंतु वह लाचार भ्रमरी कैसे निकल पाएगी स्वयं अपने द्वारा बिछाए गए अग्नि की जाल से। अरुणासुर ने यहाँ बंदी बनाकर रखा है, उनकी सहायता की करुण पुकार सुनाई दे रही है मुझे। तत्काल मुझे उन्हें बंधन मुक्त करवाना होगा। हमारी रक्षा हेतु यहाँ आने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अपनी संतान को किसी भी संकट में देख भला कोई माँ कैसे शांत रह सकती है, इसीलिए आप सबको भी मुझे रक्षित करने के लिए तो आना ही था। देवगणों, अपने निर्बल देवताओं को बाद में मुक्त करवाना, सर्वप्रथम ये तुच्छ भ्रमरी अपनी रक्षा तो कर ले मुझसे। कहा था ना मैंने, ये तुच्छ भ्रमरी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगी, अपितु मैं इसका वध करूंगा। क्या कहा तूने? तुच्छ भ्रमरी? तुम चाहे अपनी समस्त कीट सेना को भी बुला लो तुच्छ भ्रमरी, मेरे विषैले द्रव से बच नहीं पाएंगे वो। तुच्छ भ्रमरी, ऐसी कितनी तुच्छ भ्रमरियों को अपने कारागृह में बंदी बनाओगे अरुणासुर? कहां से इतने असंख्य भ्रमर कीट उत्पन्न होकर पहुंच रहे हैं वहां? अरुणां करुणा तरंगिणी ताक्षी, ये सभी तो माता की दिव्य आभा से जगमगा रहे हैं, किंतु हमें यह कैसे ज्ञात होगा कि इसमें माता कौन सी है? हाँ इंद्रदेव, ये सभी माता भ्रमरी के समान प्रतीत हो रही हैं। असंख्य भ्रमर कीट ही क्यों ना आ जाए, तुम्हारी संपूर्ण सेना ही क्यों ना आ जाए, नष्ट करूंगा, पल भर में नष्ट करूंगा। ये दुष्ट असुर इस प्रकार माता के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, किंतु ये नहीं जानता कि जब माता के धैर्य का बांध टूटेगा और उनके क्रोध रूप से इसका सामना होगा तो इसे छिपने के लिए भी स्थान प्राप्त नहीं होगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो दुष्ट मुझे दिख जाए और मैं उससे युद्ध कर सकूं।
अब कहां और कैसे छिपोगे अरुणासुर? इधर उधर क्या देख रहे हो अरुणासुर? मैं तो यहाँ। क्या तुम अभी भी मुझ पर वार करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हो मूर्ख? मैं तो इन सभी में हूँ और ये सभी मुझ में। मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। साहस है तो मेरे समक्ष स्वयं को उजागर करो। आओ मेरा सामना करो। कहाँ हो तुम कुछ भ्रमरी? देवगण, वो रही माता अपनी संपूर्ण भ्रमर सेना से युक्त देवी भ्रामरी के रूप में। माता, अद्भुत। नहीं नहीं नहीं, इसके सम्मोहन में कदापि नहीं आऊंगा मैं। यह दृश्य किसके लिए उत्पन्न कर रही हो तुम? मैं तनिक भी भ्रमित नहीं हूँ तुमसे। अपने तुच्छ कीटों के साथ मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुँचा सकती तुम। बहुत लगाव है ना तुम्हें तुच्छ शब्द से। सभी को अपने समक्ष तुच्छ समझते हो तुम। तुम्हारी क्रीड़ा में पराजित करूँगा और वो भी तुम्हारे तुच्छ देवताओं के समक्ष। मेरा तो इतना ही दर्शन शास्त्र है कि मैं ही दर्शन हूँ और मैं ही शास्त्र हूँ। शेष सभी तुच्छ है। हाँ हाँ, सभी को समझता हूँ तुच्छ अपने समक्ष। मेरी तुलना में तुम सभी तुच्छ हो। दुष्ट अरुणासुर, मैं अपने समक्ष किसी को भी तुच्छ नहीं समझती। कर्ण से कीट तक और कीट से ब्रह्मांड तक मेरे लिए सभी चराचर जीव का अस्तित्व एक ही समान। किंतु ये तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम्हें मेरे वास्तविक रूप के दर्शन नहीं होते। अपने विराट रूप के दर्शन दे रही हैं। मैं हूं वो शक्ति स्वरूप जो ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण में होता है और ब्रह्मांड की शक्ति को ललकारने वाला, पाप को बढ़ावा देने वाला, अधर्म का विस्तार और प्रचार करने वाला, पूर्ण शक्ति को तुच्छ समझने वाला मृत्यु का भागीदार होता है। और तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है अरुणासुर, और वो भी एक तुच्छ भ्रमरी द्वारा। Oh.
मेरा वध किसी के द्वारा संभव हो मात्र और मात्र छह पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। यदि मेरा वध तथास्तु। माता, माता मुझे क्षमा कर दे, मैं आपकी वास्तविक शक्ति को जान नहीं पाया। माता, मार्ग में कठिनाइयां तो आती ही हैं, किंतु अंतिम पड़ाव पर भी यदि व्यक्ति का मनोबल ना टूटे तो वो विजयी भी अवश्य ही हो जाएगा। आप ही बताइए मुझे, इस युद्ध में सफल होने के लिए देवी आदि शक्ति को पराजित करने के लिए मैं क्या करूं? इस बार ऐसा उपाय कर रहा है वो दुष्ट, जिससे उसे पराजय करना असंभव के समान हो जाएगा। मेरे विरुद्ध मुझे ही खड़ा करने का प्रयास कर रहा है वो कपटी। हम अभी जाकर उस असुर को ऐसा करने से रोक देंगे। दुर्गमासुर!